हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे SPSS रिपोर्ट को जनरेट करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास 200 कस्टमर के रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। यहां पर स्टडी ऑन कंज्यूमर बिहेवियरल पैटर्न ऑफ परचेस ऑफ सेवन एंड रिसर्च ऑन ब्रांड पोजिशनिंग ऑफ परफेक्ट प्लस सीमेंट रेगुलर क्वेश्चनर फॉर 7 कस्टमर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीरियल नंबर है। इसका यूज़ मैं बता दूँ कि क्यों हम करते हैं। नॉर्मली इसका जो MBA पर्सन होते हैं ना, वो अपने पढ़ाई पूरा करने के बाद उनका जो प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट में वो ट्रेनिंग करते हैं। तो कंपनी उनको एक टारगेट देती है कि जाइए आप सर्वे करिए और कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में आप जानिए, कस्टमर लोग जो ख़रीदते हैं उन कितना इंटरेस्टेड हैं या नहीं, किस चीज़ को देख कर ख़रीदते हैं। ठीक है, बहुत सारे सामान हो सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक सामान है जिसका नाम है परफेक्ट प्लस सीमेंट, सीमेंट से रिलेटेड हमारा बिजनेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पहले कॉलम में लिखा है सीरियल नंबर, दूसरे में नाम लिखा हुआ है, तीसरे में लिखा है कंपनी का नाम, चौथे में कॉन्टैक्ट नंबर, नेक्स्ट में लिखा है राइजन मतलब क्षेत्र एरिया से। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ हमारे पास है, हमको भी देखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन सब अलग अलग, मैं आपको और दिखा दूँ। टोटल हमने काम किया है 24 कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत सी चीज़ें यूज़ किया है और टोटल हमारे पास है 200 कैंडिडेट का सर्वे है। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करते हैं। अगर इनमें से मुझे कुछ कैटेगरी जोड़ना हो, या देखो और चीज़ें यहाँ पे हैं, ये क्या चीज़ है, ये कौन सा ब्लॉक है, ये पर्सनल एरिया है तो बिल्कुल, ये कौन सा है क्वेश्चन का एरिया है तो ये टिक करना है। ठीक है, तो ये लिखा है पूरा कि टिक करना तो टिक करो। और यहाँ पे क्वेश्चन होता है ना, बड़ा क्वेश्चन, तो लिखा है फॉर हाउ मेनी ईयर्स यू आर इंगेज इन सीमेंट बिजनेस, मतलब ये कहते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जहाँ पे मैंने कर्सर ऐड किया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ऐड किया, पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर। इसके बाद यहाँ मैंने चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें हमने कई सारा कंडीशन भी लगाया। इन सब चीज़ों को भी हम यूज़ करके दिखाएंगे कैसे यूज़ करते हैं कुछ हद तक। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें हम सॉर्टिंग, ये लिख रहा है आपको डेटा मेनू, इसमें हम सॉर्टिंग फिल्टरिंग भी अप्लाई करेंगे और कुछ कंडीशन भी अप्लाई करेंगे। और एक और चीज़, ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर टाइप वाला, लिस्ट वाला, ये बना है यहाँ पर, ये चीज़ आप देख सकते हो, इसका अलग ही लोकेशन है। ओके, तो अगर इसको काम करना चाहते हो तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। बहुत ही आसान है, हमें करना क्या है, पहले लिखना है सीरियल नंबर, हमने लिख दिया। मैं एक छोटा सा डेमो देता हूँ ना, पहले लिखना है क्वेश्चन, जो कंपनी का नाम है तो इसको ब्लैंक कर लो, इसको बड़ा करना चाहिए बड़ा कर लो, मर्ज किया। यहाँ से मैं डेटा कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा फास्ट काम होगा, है ना। तो हम वापस आते हैं, ये देखो यहाँ पे मेरे पास डेटा है, ये डेटा को मैंने सेलेक्ट किया, सॉरी इसको कॉपी करना है। एक मिनट, सेलेक्ट किया और कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे सीट नेक्स्ट में आएंगे, पेस्ट कर दिया हमने सेम साइज। ओ तो पूछ रहा है कि सेम साइज चाहिए इसको, तो हम यहाँ पे इसको उठा देते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे ऐसे ही। ठीक है, ये जब पेस्ट हो जाएगा इसके बाद क्या करना है हमें, ये देखो अगर डबल प्रेस करेंगे तो ये बहुत बड़ा ब्लॉक बन जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है हमें काम करने में, तो उसको हम सेलेक्ट करके इस एरिया को ब्लॉक कर देते हैं पूरा, मर्ज। ठीक है, तो ये भी तरीका है, आप मैटर को पेस्ट कर दो उसके बाद सेट कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको दिखाऊँ फिर से वापस, ये हमारे पास ये वर्क है, तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक, ये मेरा पास वर्क है और मैं इसको रिप्लेट कर दूँ। आपके पास देखो, ये मेरे पास सीट 1 है, ये ओरिजिनल वाला है, ये डुप्लीकेट जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमें एक ऐसा ही फॉर्मेट रेडी करना है, बहुत ही आसान है फॉर्मेट रेडी करना। अब हमें बनाना सीरियल नंबर, ये सब, नेम, कंपनी, राइजन, कॉन्टेक्ट नंबर। तो यहाँ पे आप चले आओ सीट 3 पे, यहाँ लिखो नेम, यहाँ थोड़ा सा हम गैपिंग कर लेते हैं। और हमें लिखा नेम,
एलिगेनी मोबाइल और इसका क्षेत्र। इतना दे दिया हमने इसको, देखो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एरिया को, ये हमारे पास है, डेटा पे जाएंगे, यहाँ पर लिखा होगा डेटा वैलिडेशन, क्लिक करिएगा और यहाँ पर लिखा होगा इनपुट मैसेज, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लिखो पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल्स ये लिख सकते हो, प्लीज इंटर योर पर्सनल डिटेल, ओके करो। अब आपको यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये बाय डिफॉल्ट आपको दिखेगा, ये बताएगा कि आपको यहाँ पे ये चीज़ यूज़ करना है। इसको सेलेक्ट कर लो एरिया को और सेलेक्ट करने के बाद कलर फिट कर लो, वो आपको थोड़ा हेल्प करेगा। सेलेक्ट स्टाइल में जाकर के यहाँ पे एक इनपुट कलर ले लीजिए और यहाँ तक आपने देख लिया कि ये अलग सेक्शन है, इसके बाद इसको अलग सेक्शन में ऐड कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ही हम बात करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन है, हमें इस पोजीशन को बनाना है ना, यहाँ पे लिखा है रीजन, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, कंपनी नेम एक और हमारे पास छूट गया, वो हम आते हैं कंपनी नेम पे, यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे कंपनी नेम भी हमारे पास है, देखिए हम कंपनी नेम सॉरी इसको हम सेट कर लेते हैं यहाँ से। इसके बाद इसको भी हमें चाहिए सेम पोजीशन, तो इसको हमें फाइनल प्रिंटर लगाना होगा, इसको अप्लाई कर दो। अब क्या होगा, सॉरी हमारा प्रिंटर अप्लाई हो चुका, अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो यहाँ पे तो दिख रहा हमें लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें डेटा वैलिडेशन में जाना होगा और वैलिडेशन में जा करके यहाँ पे टाइप सेम करना होगा हमें, है ना, लेकिन हम पर्सनल डिटेल डिटेल्स और यहाँ लिख देते हैं प्लीज इंटर योर डिटेल्स, ओके करिएगा, ये हमारे पास डिटेल रेडी हो गया, ठीक है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला जो काम करेंगे, ये यहाँ पर लिखा है सीमेंट बिजनेस, क्वेश्चन की बात हम करेंगे और क्वेश्चन में ये सब ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करो, टाइप वाला लिस्ट बनाना है, तो बहुत ही आसान है बनाना, परेशान नहीं होना। और आप क्या करो, यहाँ लिख दो, इसको बड़ा कर ब्लॉक, जितना बड़ा ब्लॉक चाहिए, तो हमारे पास क्वेश्चन जो होंगे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है कि सीमेंट बिजनेस रिलेटेड है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं सीमेंट बिजनेस और सीमेंट बिजनेस, और ये आपको ना हार्ड कॉपी मिलता है, जितने भी आप सर्वे करोगे उनमें टिक करते, जैसे जनगणना होता है ना एक पेपर वाइज लिख करके, जो जो बंदे से पूछोगे कस्टमर से कि आप आपके पास, अब यहाँ पे हम बात करें बिजनेस से, तो कस्टमर से पूछोगे कि आप कौन सा सामान यूज़ करते हो, ब्रांड दे करके, रुपीज़ दे करके, क्या दे करके, तो वहाँ पर लिख सकते हो टिक द पोजीशन। इस चीज़ को ना केवल यहाँ पर टिक करना है, क्योंकि आपसे को चेकबॉक्स जैसा मिलेगा ऑप्शन, इसको सेलेक्ट कर लो एरिया को। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पहुँच जाओ डेटा पे और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे यहाँ लिख देना टिक द चेकबॉक्स, ठीक है, चेकबॉक्स ऑप्शनल, है ना, ओके। अब क्या होगा, यहाँ पे टिक करना है सब में ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन हमने बना दिया सेम इन बिजनेस, और क्वेश्चन में लिखना हो तो क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। और इसके बाद यहाँ पे मैं ऑप्शन देना चार, जैसे क्या मैं दिखा देता हूँ आपको, ये ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास ऐसे हैं, ऐसा कुछ दिखेगा, क्योंकि जो चीज़ रिपीटिव है उनमें हम क्या कहते हैं टाइप लगा देते हैं, लिस्ट से कहते हैं, लिस्ट लगाने से क्या हमें केवल सेलेक्ट करना पड़ेगा और बार बार हमें फीड नहीं करना होगा। जैसे लिखा कि ऑप्शन ए में लिखा 0-3 ईयर्स, मतलब कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो कितने साल से इस फील्ड में है, तो हम कहते हैं 0-3 और 3-7 ईयर्स, यहाँ पे करना बहुत ही आसान है। हम एक और सीट को इंसर्ट करेंगे, यहाँ लिख देते हैं हम इसका फॉर्मेट, देखो हमें यहाँ लिखना क्या है, लिखना हमें ए, यानी ऑप्शन ए, कि जो बंदा इतने टाइम से उसमें फील्ड में है, हम लिखा 0-3 ईयर्स। इसके बाद नेक्स्ट में लिख दो बी ऑप्शन, ये है इस फील्ड में काम करने वाला, 3 साल से
पाँच साल के बीच। इसके बाद ऑप्शन सी लगा दो, आपने लगा दिया 5 से 8 ईयर्स, है ना। इतना करने के बाद यहाँ लिख दो ईयर्स। इस चीज़ को हमें क्या करना है, बहुत ही आसान हमारे पास काम होगा। देखो ये जो सीमेंट बिजनेस दिख रहा है, इसको सेलेक्ट कर लो पूरा एरिया को जहाँ तक चाहिए। सेलेक्ट करने के बाद आप पहुँच जाओ डेटा वैलिडेशन पर। यहाँ पर एक ऑप्शन है सेटिंग, और यहाँ पर लिखा है एनी वैल्यू की जगह आप क्लिक करो लिस्ट। यहाँ लिखा है सोर्स, ये जो रेड वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको ना, एरिया लेने के लिए क्लिक करो, और जो हमारे पास जहाँ डेटा होगा उस एरिया को आप सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करो और ओके कर दो। जैसे ही आप ओके करोगे ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखो ध्यान से आप सेलेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। तो इस तरीके से आप SPSS रिपोर्ट बनाओगे ना, तो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। इसके बाद ये तो हो गया, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन में क्या आता है। यहाँ पे हम कुछ डेटा कॉपी कर लेते हैं ना, ये अपने काम करने के लिए हमने इतना डेटा को सेलेक्ट किया और कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम इस चीज़ को यहाँ पर पेस्ट करेंगे, इसको हमने सेलेक्ट किया पेस्ट। अब ये आपको देख सकते हो, यहाँ पर ये इसको हम ब्लॉक पर चेंज कर देते हैं। फिलहाल जो यहाँ लिखा है मोबाइल नंबर, इस ब्लॉक पर यहाँ रख देते हैं। यहाँ लगाना हमें कंपनी ने, हमने कंपनी में यहाँ लगा दिया, और इस चीज़ हमें यहाँ लगाना है, यहाँ पे सेट हो गया हमारे पास, है ना। और ये हमारे पास पूरा काम रेडी हो गया। और इसमें हम क्या करेंगे, जो किसी भी कोई क्वेश्चन लगाना हो ना, यहाँ पे क्वेश्चन लगना हो तो क्वेश्चन वैसे जैसे यहाँ मैंने लगाया, आप क्वेश्चन लिख सकते हो डायरेक्टली, पूरा ईजी हो जाएगा काम आपका। अब बात करते हैं कि अगर इनमें बहुत से लोग हो जाएँ, इसमें शॉर्टिंग फिल्टरिंग कैसे करें, कैसे पता करें कि कोई बंदा जो काम कर रहा है वो कितने साल से इस बिजनेस में इंगेज है या नहीं है। देखो यहाँ पर मैं दे देता हूँ 3 साल वाले कितने हैं, ठीक है, तो कुछ 3 साल में दे देता हूँ और कुछ 5 साल वाले दे देता हूँ। इसका हम एक रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है, आपके सामने। यहाँ पर आपने इसको पूरा यूज़ किया, और यहाँ पर आप और भी ऐड कर लेते हैं सब में बारी बारी क्लिक किया, और यहाँ पे हम क्लिक करते जाएंगे। एक और फील्ड बचा हुआ हमारे पास, 2 फील्ड, इस पर लॉक फिट कर देते हैं। लास्ट फील्ड में हमने दे दिया एक और। अब ध्यान देना, बहुत ही आसान काम, इसको सेलेक्ट करो एरिया को। सेलेक्ट करने के बाद ना एक काम कर लेना, सॉर्टिंग फिल्टरिंग लगाते हैं यहाँ पर, यहाँ दिख रहा है सॉर्टिंग फिल्टरिंग, क्लिक करो। लेकिन सबसे पहले एक और काम करना, जब आप हेडिंग बनाते वक्त इंसर्ट पे जाना और टेबल ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक करो और यहाँ पे माय टेबल हैज हेडर करके ओके करना, फिर इसके अंदर का काम करना, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे फिलहाल मैं दिखा देता हूँ कैसे सॉर्टिंग फिल्टरिंग करते हैं। डेटा पे जाएंगे, यहाँ पे फिल्टर है, लगा लो फिल्टर। और फिल्टर लगाने के बाद एक हम काम करेंगे, इस एरिया को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे हम जो हमें पूरा यूज़ करना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा असेंडिंग मोड, तो असेंडिंग मोड लगाने के बाद आपको जानना है यहाँ पर कि कौन बंदा कितने टाइम से इंगेज बिजनेस में, ये जो 3 से 5 साल के बीच में कितने लोग हैं। तो हमारे पास जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं, हमने ओके किया। अब ध्यान देना, अब हमें हमारे पास दिख रहा है कि इतने लोग ही केवल हैं काम करने वाले, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो कि कौन बंदा कितने टाइम तक रहा, या कितने लोग हैं जो हमारे बिजनेस प्लान को यूज़ करते हैं। हमारे पास लगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, हमारे पास टोटल 21 कस्टमर हैं, और 21 कस्टमर में कितने कस्टमर हैं जो वो सबसे कम ड्यूरेशन में वर्क किए हैं। ओके करो, अब आप देख सकते हो कि कितने लोग हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक फार्मूला लगा लो इजिकल टू काउंटर, एंड ब्रैकेट लगा करके इसको क्या करना, पूरा एरिया सेलेक्ट कर लो, या फर्स्ट एरिया और लास्ट वाला एरिया ले लो, ठीक है, इंटर करो।
आपको दिख जाएगा ये टोटल 9 लोग हैं, आपको काउंट करना है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से भी आप काउंट कर सकते हो कि कितने लोग हैं जो 3 साल तक काम किए हैं। इसका रिपोर्ट बनाना है तो बहुत ही आसान है, 9 लोग हो गए। ओके देखो रिपोर्ट बनाना है ना, ये कितने लोग के लिए, ये था 0 to 3 years। ओके अब हम बात करेंगे, एक और रिपोर्ट देख लेते हैं, 0 to 3 years हो गया, तो एक और काम देखते हैं हम कहते हैं कि ठीक है साहब इसमें जो 3 से 5 years से कितने लोग हैं, यहाँ पे क्लिक करो, ओके करो। आप ये जानना चाहते हो ना, इज इक्वल टू लिखो काउंटर ओपन ब्रैकेट पहला एड्रेस और आखिरी एड्रेस, एंटर। आपको दिख गया ये टोटल हमें दिख रहा है, इसके अंदर लोग भी छिपे हुए हैं, उनको हम सेट कर लेंगे। जब भी काम करना ना एक काम कर लेना असेंडिंग और डिसेंडिंग मोड का काम, एक्सपैंड एंड सिलेक्शन करेंटर, ठीक है ये उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर मान लो ये कितना हो गया, एक मिनट, अगर ये फॉर्मेट, अगर देखो ये फॉर्मेट बार बार प्रॉब्लम करता है, तभी फॉर्मेट प्रॉब्लम करेगा जब ये एक सीरीज में नहीं होगा। तो जब भी आप हेडिंग दीजिएगा ना, हेडिंग दे करके इसको टेबल फॉर्मेट में कर लीजिएगा, वो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। और एक और चीज़, जब सॉर्टिंग करने करिएगा तो सॉर्टिंग करने से पहले फिल्टरिंग जरूर, ये सॉरी फिल्टरिंग करने से पहले सॉर्टिंग जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर अगर 0 से 3 से 5 ईयर दिखाना है, 5 ईयर्स तीनों ऐड कर लेना, इसको सेलेक्ट करना पूरा एरिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चले जाओ इंसर्ट, इंसर्ट पे जाकर के यहाँ पे क्लिक किया, ये रहा रिपोर्ट, रिपोर्ट पे क्लिक करोगे आपको रिपोर्ट ये दिख जाएगा इस तरह से। ओके इसको रिपोर्ट को आप थोड़ा बड़ा दिखना चाहते हो बड़ा क्लिक करो, और पूरा एरिया के साथ दिखाना चाहते हो वो दिखा सकते हो आप, ये पूरा एरिया है। ठीक है ये बता रहा है कि इसमें टोटल ओवरऑल कितना 55% है ना, सब 55% सबसे ज़्यादा इसमें काम किए हैं 3 से 5 साल वाले लोग। तो इस तरीके से ना आप बहुत ही आसानी से SPSS रिपोर्ट बना लोगे और आपका काम भी हो जाएगा। ठीक है अलग अलग व्यू में आप देख सकते हो। तो हम जो मैं जो रिपोर्ट सबमिट करना होता है ना, तो हम ये जो चार्ट बनाए चार्ट और ये डेटा को सबमिट करना होता है, बाकी इससे कोई मतलब नहीं होता है ना। ठीक है तो ये रहा वीडियो का एंड, मैं आगे कुछ इसके बारे में और डिस्कस करूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि कैसे बनाते हैं SPSS रिपोर्ट का सिंपल फॉर्मेट। ठीक है आप हमसे जुड़े रहिए, धन्यवाद।